बीजेपी को टक्कर देने के लिए झारखंड में शिबू सोरेन आहार उतार दिया गया। बीजेपी के ही तर्ज पर पैकेट बनाए गए और गरीबों के बीच बांटे गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉकडाउन के दौरान बीजेपी ने मोदी आहार की मार्केटिंग की। भाजपा के मोदी आहार वाले पैकेट केसरिया रंग का था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हरे रंग का पैकेट उतार दिया है, नाम दिया है शिबू सोरेन आहार। शिबू सोरेन आहार वाला ये पैकेट झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष कमरुल हक ने तैयार करवाया था, जिसे आज गरीबों के बीच बांटा गया है। शिबू सोरेन आहार की क्वालिटी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि शिबू सोरेन आहार में क्या कुछ है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले निकलता है क्या है दिखाइएगा, पहले सबसे पहले सेवई, उसके बाद आटा का पैकेट है, उसके बाद सरसों का तेल है, उसके बाद नमक है, उसके बाद चीनी दूध है, दूध का पैकेट छुहारा है, उसके बाद सर्फ का पैकेट, और उसके बाद ये साबुन की डिब्बी, और ये साबुन एक और नहाने वाला। तो ये है शिबू सोरेन आहार की क्वालिटी जो हमने आपको दिखाया। गरीबों को जब ये आहार मिला तो ऐसा लगा जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। रमजान का महीना है, ईद आने वाली है, लिहाजा गरीबों के लिए यह शिबू सोरेन आहार वरदान साबित हो रहा है। खुश है एकदम एकदम खुश का है? कैसे नहीं खुशी ही हो एकदम का है, खुश हुए आज ये मिल ले और आउरो दिना ठीक। अब ईद अच्छा से होगा? हाँ एकदम बढ़िया से। अल्लाह से यही दुआ है कि यही सबका मदद करते रहे और इनको अल्लाह सलामत रखे, इसी तरह सब गरीबों का मदद करते रहे। राजधानी रांची के फुटकर टोली रातू में बड़ी संख्या में मुस्लिम जमात के लोग रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से ईद मनाना तो दूर, राशन तक के लिए आफत आ गई थी, लिहाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष ने गरीबों के बीच न सिर्फ राशन बांटने का निर्णय लिया बल्कि उन्हें शिबू सोरेन आहार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को एक करारा जवाब भी देने की कोशिश की है। कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से मेरा शुरू से सोच रहा है कि चूंकि ये इलाका में बहुत ज्यादा गरीबी है तो इस लॉकडाउन के बाद हम बराबर बांटते रहे हैं। आज स्पेशल हम लोग रखे इसलिए कि हम लोग का रमजान ईद ईद आपका 25 तारीख को है। शिबू सोरेन आहार नाम इसलिए रखा कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी हैं और बहुत जगह देखे कि सब अपना अपना ये कर रहा है तो हम भी पार्टी की ओर से सोचे कि शिबू सोरेन आहार हेमंत सोरेन आहार अपना बांटे। बहरहाल गरीबों के बीच बांटे जाने वाले आहार में से मोदी आहार बेहतर है या फिर शिबू सोरेन आहार कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि गरीबों को ये सब कुछ राहत जरूर पहुंचा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मोदी आहार को चुनौती देने के लिए आखिरकार झारखंड में शिबू सोरेन आहार आ ही गया। ये आहार गरीबों को ईद के मौके पर दिए जाने वाला वह तोहफा है जो लॉकडाउन के दौरान लंबे वक्त तक याद किया जाएगा। कर्म राजेश के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची।